तो फ्रेंड्स, आप ही लोगों में से एक भाई ने मुझे कमेंट किया हुआ था जिसका नाम था अंकित सिंह। वो क्या कमेंट किया हुआ था भाई, एक काम करना कि जो चरखी होता है उसको पानी के ऊपर चलाना। तो गाइस, सचमुच ये एक्सपेरिमेंट मुझको काफ़ी अच्छा लगा था, मैं इसका ट्राई करने वाला। मैंने उस भाई से कह दिया था कि मैं कल इस चीज़ को ट्राई करूंगा। तो गाइस, मैं क्या करने वाला हूँ कि ये मतलब जो नॉर्मल चरखी मैंने ले रखा है, जो दीपावली पर यूज़ किया जाता है, तो गाइस मतलब ज़्यादा बड़ा साइज में नहीं, तभी साइज का मतलब काम लायक है। तो मैं इसका क्या करने वाला हूँ, पानी के ऊपर चलाने वाला। तो गाइस, जो कमेंट किया हुआ था, प्लीज़ इस वीडियो को एक बार देख कर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, अगर आप लोग भी को आप लोग के मन में भी कोई ऐसा मतलब आइडिया चल रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर एक्सपेरिमेंट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए, आप थोड़ा सा मेरे पास मतलब मेरे घर पे थोड़ा सा बड़ा सा टैंक मतलब थोड़ा सा मतलब क्या टैंक टाइप मतलब एक नाम जो है टंकी है, तो गाइस उसी के ऊपर मतलब पानी के ऊपर मैं ट्राई करने वाला हूँ क्या जो मेरा चरखी है पानी के ऊपर चल पाएगी या नहीं। चलिए, आप टंकी के पास चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिखाता हूँ, छोटा सा मेरी टंकी रही। तो गाइस, मैं इसी में जो है अपना चरखी को चलाने वाला हूँ। मतलब पहले चरखी को मैं जला लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको पानी के ऊपर रखूँगा, फिर देखता हूँ नच पाती है नहीं चरखी। गाइस, हमको भी नहीं पता कि चरखी नच पाएगी पानी के ऊपर या नहीं, इस चीज़ को ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा हो पाएगा या नहीं सक्सेस। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेरी चरखी है मतलब पूरी तरीके से पानी में चलने में कामयाब रही। देख सकते हैं पूरी यहाँ पर बिल्कुल डोटेट हुई, यहाँ से कार्बन निकला था पानी में, मतलब यहाँ पर घुल गया। देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मेरा चरखी चली, पर यहाँ पर क्या हुआ कि मेरी चरखी जो मतलब एकदम पूरा नहीं चल पाई, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब इसका जो अंदरी भाग रहा था थोड़ा सा बच गया। गाइस, मैंने ऐसा यकीन नहीं किया हुआ था कि मतलब सच में, मतलब हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली जो फर्श पर मतलब जितना हो सके उतना प्लेन चीज़ पर हम लोग जलाते हैं ताकि काफ़ी तेज़ी से जो रोटेट करें। तो इसमें मैंने यकीन नहीं किया हुआ था कि मतलब पानी के ऊपर भी चल जाएगा। सचमुच गाइस, काफ़ी ऑसम एक्सपेरिमेंट है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी के ऊपर भी चल गया। तो गाइस, इसी चीज़ को मैं क्या करने वाला हूँ, गाइस दिन में थोड़ा सा अच्छा नज़ारा देखने को नहीं मिला था इस चीज़ को, तो मैं रात में भी ट्राई करूँगा, फिर देखूंगा उस समय किस तरीके से जो पानी में उनको नज़ारा दिखाई देता। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा मतलब जो चरखी है, यहाँ पर देख सकते हैं जो है तो देखिए अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो गाइस, मैं इसे फाइनली जो अपनी चरखी है पहले इसे जलाता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखा ना फाइनली जो मतलब यहाँ पर मेरी चरखी है, जो कि सुबह टाइप में मैंने जैसा किया हुआ था कुछ इसी टाइप के, यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ जो पॉल्यूशन फैल गया, मेरी चरखी जो पानी के ऊपर सचमुच गई बिना किसी सपोर्ट के मतलब चल रही थी। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ इसमें जो लगा रहता है पार्ट बस वही है, क्या है कि पूरा मतलब नहीं जल पाया, जितना बाहर जलता उतना नहीं जल पाया। और फिर एक बात गाइज कहूँ कि जो मतलब बाहर जो नज़ारा रहता है, मतलब बाहर हम लोग इस तरीके से जो फर्श पर जलाते हैं, उससे अच्छा नज़ारा देखने को मिला। तो गाइज, हमने सोचा भी नहीं हुआ था कि मतलब जो मेरा नॉर्मल जो चरखी रहेगी दिवाली की पानी के ऊपर चल जाएगा। गाइज, सचमुच पानी के ऊपर पूरी तरीके से अपना बैलेंस बना ले रहा था, काफ़ी तेज़ी से रोटेट भी कर ले रहा था। गाइज, मतलब यह है कि ज़्यादा पूरा नहीं चल पा रहा था मेरा चरखी, तब भी काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिला। सचमुच गाइज, पानी में का जो नज़ारा था जो हम लोग नॉर्मल इस तरीके से फर्श पर जाते उससे काफ़ी अच्छा नज़ारा था। गाइज, जो मतलब नाइट का मतलब जो रात का जो सीन था वो भी काफ़ी देखने में बेटर था। तो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद जरूर होगी, फटाफट टाइप कर दीजिएगा। तो गाइज, मतलब आपके मन में कुछ ऐसा अटपटा मतलब दिमाग में चल रहा होगा, तो गाइज प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस आपको मतलब वीडियो जरूर लाऊंगा आपके कमेंट पर। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।